हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द बैक एक्सरसाइज ऑफ रेन पोएम। रेन पोएम की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से कर सकते हैं। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। रेन मीन्स बारिश और ऑल अराउंड मीन्स चारों तरफ। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, और ये कहाँ कहाँ पड़ रही है। फील्ड मीन्स खेतों पर और ट्री मीन्स पेड़ों के ऊपर। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर, और ये कहाँ पर हो रही है। रेन बारिश कहाँ पर पड़ रही है, हमारे अम्ब्रेलाज के ऊपर भी पड़ रही है। हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अम्ब्रेला ले लिया, बट अम्ब्रेला के ऊपर भी बारिश हो रही है। एंड ऑन द शिप्स एट सी, और जो समुद्र में, सी मीन्स समुद्र में बड़े बड़े शिप्स हैं, उनके ऊपर भी बारिश हो रही है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन, न्यू वर्ड्स हैं। फील्ड, फील्ड मीन्स कौन सा होगा आपका, एक ओपन एरिया। जो भी हमारा एक ओपन एरिया होता है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। एन ओपन एरिया ऑफ लैंड प्लांटेड विद क्रॉप्स। फील्ड मीन्स खेत। अम्ब्रेलाज छाता, मीन्स यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड रेन। ships, ship क्या होगी हमारी, लार्ज बोट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल या गुड्स, कोई भी सामान लाने के लिए जो बड़ी बड़ी बोट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या जाएगा, ship, समुद्री जहाज। नाउ वेयर डज द रेन फॉल, रेन कहाँ कहाँ पड़ रही थी। द रेन फॉल्स ऑन, देखो इसमें गिवन है, द रेन फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज। यहाँ आ जाएगा हमारा द रेन फॉल्स ऑन, द रेन फॉल्स ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज, फील्ड्स एंड ट्रीज। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आप क्या यूज़ करते हो, और आपको बाहर भी जाना है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला या रेन कोट। तो इसमें आ जाएगा पीपल यूज, इसके बीच में लिखोगे आप पीपल यूज अम्ब्रेला और रेन कोट, या तो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं या वो रेन कोट व्हेन इट रेन्स। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे। रेनी डे में आप क्या करते हो जब बारिश होती है, तो कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, आपके ऊपर है ये। आई प्ले विद माई फ्रेंड, आई बाथ इन द रेन, या आई ईट पकौड़ा इन द रेनी डे, के कुछ भी आप लिख सकते हो बच्चों। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन, आप अपने आप को ड्राई बारिश से कैसे बचाते हो सूखा होने से, तो किस लिए कैसे बच पाते हैं हम, या तो हमें बारिश में जाना है अम्ब्रेला यूज़ करें, रेन कोट यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आई यूज़ अम्ब्रेला, आई यूज़ रेन कोट टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, क्या आपको वाटर में खेलना अच्छा लगता है। वैसे मोस्टली को लगता है, जिसको लगता है वो येस लिखेंगे, येस आई लाइक टू प्ले इन वाटर, और जिसको नहीं लिखता लगता आई डू नॉट लाइक टू प्ले इन वाटर। नेक्स्ट सी व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर, बताइए आपको कि जो वाटर में कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल, फिश, व्हेल, टॉर्टोइस, कुछ भी हो सकता है। लेट्स लिसन, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, क्या किसी बच्चे ने ध्यान से कभी भी जब बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उसकी आवाज़ सुनी है, कैसी होती है। बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी, जब इस बार बारिश आएगी तो आप सभी ने सुननी है। उसकी जो साउंड होती है, साउंड ऑफ रेनफॉल क्या होती है हमारी, स्प्लैश, स्प्लैश साउंड। जैसे हम घर में चलाते हैं ना, स्प्लैश चला लो आप, उससे भी आपको बारिश जैसी आवाज़ आती है, स्प्लैश साउंड। व्हाट साउंड डज द रेन मेक्स ऑन अम्ब्रेला, अब आपको ये भी करके देखने पड़ेगी एक्टिविटी। बारिश आएगी तो आपको अम्ब्रेला लेना है, अम्ब्रेला के ऊपर आप देखोगे कैसी आवाज़ आती है, उसकी आपको आवाज़ आएगी पिटर पटर, पटर 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 पटर, तो उसकी साउंड होती है हमारे पास अम्ब्रेला की, पिटर
पटर, पीटर पटर. व्हाट साउंड डज द रेन मेक्स ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री? जब उसके ऊपर लीव्स के ऊपर पड़ती है, जो ट्रीज की पत्तियों के ऊपर जब बारिश पड़ती है, तो उसकी साउंड कैसी होगी? ड्रिप ड्रॉप. इसकी साउंड होगी बच्चों ड्रिप ड्रॉप. नेक्स्ट है, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो? अब आपकी जब विंडो के ऊपर पड़ती है, तब आपको कैसी आवाज आती है? तब आपको आएगी टिप टैप, टिप टैप. मेक ऑल दिस साउंड योरसेल्फ. ये सबने आपने अपने आप भी बना सकते हो अपनी साउंड, ठीक है? जिसको जैसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसी सुनाई दे रही है, आप अपनी साउंड अपने आप ही बना सकते हैं. समझ में आया बच्चों? साउंड ऑफ रेनफॉल होगी स्प्लैश, और अम्ब्रेला के ऊपर जब हमारी बारिश पड़ती है तो हम आती है पिटर पटर, और जब हमारी लीव्स के ऊपर पड़ती है ट्री की तो ड्रिप ड्रॉप, और विंडो पे टिप टॉप, टिप टैप. नेक्स्ट इज काउंटिंग क्लाउड्स. काउंटिंग क्लाउड, दिस इज एन एक्टिविटी. कंप्लीट द स्टोरी, ये हमें एक स्टोरी कंप्लीट करनी है. एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लॉटेड इन द स्काई वन डे. एक दिन क्या होता है, एक जो वाइट क्लाउड है, क्लाउड मीन्स बादल, जो वाइट क्लाउड है वो क्या कर रहा है, उसको फ्लॉट कर रहा था स्काई में. अनदर लिटिल क्लाउड कम्स आउट, फिर एक और आ गया, है ना? उसने कहा कम लेट अस प्ले, आओ हम खेलते हैं, ठीक है? जैसे हमें भी अकेले खेलने में मज़ा नहीं आता ना, तो उन्होंने कहा कि आओ हम खेलते हैं. एज टू लिटिल क्लाउड डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू. जब टू लिटिल क्लाउड डांस कर रहे थे स्काई में सो ब्लू, अनदर लिटिल क्लाउड आस्क, फिर एक और आ गया उसको देख के, जो बिल्कुल ब्लू ब्लू स्काई में देखा उन्होंने, फिर एक और आ जाता है कैन आई ज्वाइन यू, कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ. देखो इन टू के साथ एक और आ गया, इसने कहा कि कैन आई ज्वाइन यू. एज थ्री लिटिल क्लाउड हेल्ड हैंड्स इन द स्काई द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड क्लोज बाय. फिर जब थ्री खेल रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना हाथ बिल्कुल हैंड टाइटली पकड़ा हुआ था, देखो अपने हैंड को पकड़ा हुआ था उन्होंने, बहुत तेज हवा आई और एक और क्लाउड उनके साथ आ गया. देखो ये आ गया एक और क्लाउड, तो उसने क्या किया, अब वो फोर इकट्ठे हो गए. एज फोर लिटिल डिसाइड टू डू, जब फोर ने अपने आप डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना है, अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइन देम वेरी क्वाइटली टू. एक ने बड़े चुपके से, क्वाइटली होता है, बड़े चुपके से इसको ज्वाइन कर लिया. एक और, ये फिफ्थ वाला आ गया. फिर क्या हुआ, नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स क्लाउड डिड. फिर एक और आ गया होगा सिक्स, तो हमें बताना है फिर उन्होंने क्या किया होगा. तो फिफ्थ और सिक्स ने भी ज्वाइन कर लिया होगा, और वो भी डांस करने लग गए होंगे, वो प्ले करने लग गए होंगे. आपको अपनी आप बनानी है कि आप वो क्या करने लग गए होंगे, वो आपने राइट डाउन करना है. नेक्स्ट है आपके पास बच्चों, फिल इन द लेटर टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. ये आपके पास एक पजल है, देखिए ये आपके पास क्या दिख रही है आपको, ये बच्चों क्या है, स्नो, बर्फ, एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो. अब आपके पास ये क्या है, लाइट, L I G H T, लाइट. अब यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, धूल बहुत सारी, तो क्या हो गया, डस्ट, D U S T, डस्ट. ये क्या है हमारे, बादल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्लाउड, C L O U D, क्लाउड. देन आपके पास ये क्या है बच्चों, विंड, हवा चल रही है बहुत तेज. नेक्स्ट है आपके पास, ये देखो ये क्या लगी हुई है यहाँ पे, आग जली हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, एच ई ए टी, हीट. और ये क्या आपका, एस यू एन, सन. और यहाँ पर आ जाएगा आपका एम डबल ओ एन, मून. मून बना हुआ है ना आपका, यहाँ पे आ जाएगा मून. नेक्स्ट है, व्हाट कुड यू वुड यू कॉल दिस पिक्चर इन योर लैंग्वेज. जो आपके पास ये पिक्चर बनी हुई है,
ठीक है, ये फोर पिक्चर्स, इनको अपनी लैंग्वेज में आपने बताना है। नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश, और फिर इंग्लिश में, जैसे मेरे पास ये बना है तो मैं क्या बोलूँगी, इसको चांद है, चांद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मून। ठीक है, कोई अपनी लैंग्वेज में बोल सकता है चंदा मामा। ठीक है, फिर हमारे पास है सूरज, इसको क्या बोलेंगे, सन। और बादलों को क्लाउड। फिर हमारे पास क्या बना हुआ है, कोई बोलेगा सितारा, तारा, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिर स्टार। अंडरस्टूड बच्चों, गुड। नेक्स्ट रिडल है एक हमारे पास, हु एम आई। ठीक है, एक पहेली है, आपसे पूछी जाएगी, आपको उसका आंसर देना है। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, मैं बहुत बार ऊपर जाता हूँ नीचे जाता हूँ, वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सम टाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, कई बार तो मैं ग्राउंड की ज़मीन पर भी आता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन क्लाउड्स, और कभी कभी मैं बादलों में चला जाता हूँ। माई नेम राइम विद डॉटर, उसका नेम किससे स्टार्ट होता है, डॉटर, अर, लास्ट वाली साउंड क्या है हमारी, डॉटर में अर। आई एम योर फ्रेंड नेम, आपको बताना है कि वो हमारा फ्रेंड भी है तो उसका नेम क्या होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों जो हमारे नीचे भी है, ज़मीन पर भी होती है, बादलों में भी होती है, कभी वो ज़मीन पर आ जाती है, कभी बादलों में, और कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। क्या होगा बच्चों, वो उसका नेम डॉटर से उसकी वो बननी चाहिए, अर साउंड, वाटर। उसका नेम क्या है, वाटर। देखो वाटर क्या होता है आपका, कभी ज़मीन पे, फिर एवोपोरेशन होके वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, फिर वहाँ से बादलों में से नीचे आता है, बारिश बन के आती है, फिर ऊपर चला जाता है भाप बन के, फिर नीचे आता है, तो क्या है ये, वाटर। नेक्स्ट बच्चों, लुक एट दिस फिश टैंक, देखिए आपके पास ये फिश टैंक आपको गिवन है, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी, थ्री सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, आपको ये पिक्चर गिवन है, इसके बारे में थ्री सेंटेंसेस लिखने हैं, ड्रो सम मोर क्रिएचर इन दिस टैंक, और फिर आप अपनी मर्जी से कुछ बना भी सकते हैं इसमें क्रिएचर, इसके आपको बतानी है थ्री लाइन्स। पहले तो आप देख सकते हो बच्चों कितनी फिशेज आपको इस एक्वेरियम में दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख सकते हैं देर आर 7 फिशेज स्विमिंग इन द वॉटर। ठीक है, 7 फिशेज हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, फिर आपके पास और क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ग्रास दिख रहा है ना आपको सारी तरफ, तो लिख सकते हैं देर आर स्मॉल ग्रीन ग्रास इन द प्लांट, देर आर 7 फिशेज। सेकेंड हो सकता है देर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट, और क्या है हमारे पास, ये पैबल्स, कंकड़, तो देर आर पैबल्स एट द बॉटम ऑफ द वॉटर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है आपके पास, पैबल्स मतलब कंकड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, देर आर पैबल्स इन द वॉटर। नेक्स्ट इज लेट्स सिंग, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी, ये उससे रिलेटेड हमारी रेन की पोयम है कि रेन ग्रीन ग्रास पर है, रेन ट्रीज पर है, रेन हमारी हाउस के टॉप पर है, बट नॉट अपॉन मी, लेकिन मेरे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो हाउस के अंदर है, वो देख रहा है उसको। नेक्स्ट है द वर्ड अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स, नाउ कलर द वर्ड दैट राइम विथ, अब आपको इसमें कलर करना है। देखो बेटा, जब आई एन की जिसके पीछे इन आएगा उसमें आपने रेड कलर करना है, जैसे पिन रेड कलर, फिन, स्पिन, टिन, इन सब में कौन सा कलर होगा आपका, रेड। फिर आप देखोगे नो, नोट वाले में, ठीक है, जिसके पीछे नोट आएगा, ओट आएगा, सॉरी, जिसके पीछे ओट आएगा हमारा, उसमें आप क्या करोगे, ब्लू कलर। देखिए डॉट, स्पॉट, हॉट, कॉट, पॉट, इन सब में आपका कौन सा कलर आएगा, ब्लू।
पॉट कोट हॉट स्पॉट डॉट। नेक्स्ट आपके पास येलो कलर आपके करना है जहाँ पर डाउन आउन आए आउन, ब्राउन क्लाउन ड्राउन फ्राउन, इन सब में आपका कौन सा कलर होगा? येलो कलर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स। देखो आपको ये कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आपको इसमें से फिल करना है जो आपके पास है। ऊपर द शिप इज सेलिंग ऑन द, शिप कहाँ पर है आपको इनमें से आंसर देना। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी, सी में चल रहा है। द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से देखो ये क्या निकल रहा है, द रिवर। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स। नेक्स्ट है द डक इज स्विमिंग इन द, डक कहाँ पर स्विमिंग कर रहा है, लेक और पॉन्ड। तो आपने इसमें देखना है द डक इज स्विमिंग इन लेक। नेक्स्ट इज द फ्रॉग लिव्स इन, फ्रॉग कहाँ पर रहता है, पॉन्ड तालाब में है ना, वाटर में रहता है। तो यहाँ पर आपको पॉन्ड दिख रहा है, थोड़े थोड़े पत्थर हैं। That's all about today. Hope everyone understood. Thank you so much all. अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकता है।